Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्फ्रेड टेनिसन की एक पोम द फ्लावर। वीडियो में आगे जाने से पहले इस पोम का मेन आइडिया यह है कि टेनिसन इस पोम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जब भी दुनिया में कोई नई चीज की जाती है तो लोग उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। उनका कहना है कि जब भी आप दुनिया में कुछ नया करने जाओगे तो लोग आपके वर्क को, आप जो नया करने जा रहे हैं उसका मजाक जरूर उड़ाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वंस इन अ गोल्डन आवर, दोस्तों इस लाइन का मतलब है सनसेट से एक घंटा पहले या सनराइज के एक घंटा बाद, जब सूरज आसमान में गोल्डन लाइट देता है। यहाँ पर उस वक्त की बात हो रही है। वंस इन अ गोल्डन आवर टेनिसन कहते हैं कि इस वक्त आई कास्ट टू अर्थ अ सीड, मैंने धरती में एक बीज बोया। यहाँ पर अर्थ से मुराद मिट्टी है, सीड बीज को कहते हैं। कि इस टाइम वंस इन अ गोल्डन आवर, इस टाइम मैंने मिट्टी में एक बीज बोया। अब देयर कैम अ फ्लावर, और थोड़े इंतज़ार के बाद में से इस बीज में से एक फूल निकला। द पीपल सेड अ वीड, तो लोगों ने क्या कहा कि ये तो बस एक वीड है। वीड नशीले पौधे को कहते हैं, जंगली घास फूस है, ये कोई फूल थोड़ी है। टेनिसन कहते हैं कि लोगों ने मेरे फूल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। टू एंड फ्रो दे वेंट थ्रू माई गार्डन बॉर्डर, तो लोगों ने मेरे गार्डन के इधर उधर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। एंड मटरिंग डिसकंटेंट कर्स मी एंड माई फ्लावर, वो आपस में बातें करते थे, मतलब कि मेरे और मेरे फूल के बारे में वो उल्टी सीधी बातें करते थे, यानी कि हमें बुरा भला कहते थे। देन इट ग्रो सो टॉल इट वॉर अ क्राउन ऑफ लाइट, फिर क्या हुआ कि जो फूल का छोटा सा पौधा था वो बड़ा होने लगा, मानो ऐसे लगने लगा जैसे उसने रोशनी का एक ताज पहन लिया हो, यानी कि वो इतना बड़ा हो गया, इतना खूबसूरत लगने लगा कि जो फूल, जो बीज मैंने ज़मीन में बोया था वो इतना बड़ा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। उसके बाद टेनिसन कहते हैं, बट थीव्स फ्रॉम ओवर द वॉल स्टोल द सीड बाय नाइट, लेकिन कुछ चोरों ने ये रात के टाइम क्या किया कि वो मेरी गार्डन की दीवार के ऊपर से आए और मेरे पौधे ने जो बीज प्रोड्यूस किए थे वो चुरा कर ले गए। टेनिसन कहते हैं कि पहले तो लोगों ने मेरे इस फूल को क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर उन्होंने ही इसको चुरा लिया। सोल्ड इट फॉर एंड वाइड बाय एवरी टाउन एंड टावर, उसके बाद वो चोर क्या करते हैं कि उन्होंने जैसे ही मेरे बीज चुराए तो उन्होंने इसको पूरे टाउन में, टावर में, हर जगह जो है वो बो दिया, यानी कि उगा दिया। टिल ऑल द पीपल क्राइड स्प्लेंडिड इज द फ्लावर, चोरों ने जगह जगह उसे उगा तो दिया था लेकिन सबके साथ वो क्या करने लगे, इस फूल की तारीफ भी करने लगे कि ये कितना खूबसूरत फूल है। दोस्तों यहाँ टेनिसन बोलते हैं, रीड माई लिटिल फेबल, मेरा ये छोटा सा किस्सा पढ़ो। ही दैट रन्स मे रीड, मतलब कि वो इंसान जिसको बहुत जल्दी है कहीं जाने की या निकलने की, वो भी इस किस्से को पढ़ सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा सा किस्सा है। टेनिसन बोलते हैं, मोस्ट कैन राइज द फ्लावर नाउ फॉर ऑल हैव गॉट द सीड, अब बहुत सारे लोग इस फूल को उगा सकते हैं जिसको मैंने उगाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस फूल का बीज मिल चुका है, चोरी किए हुए बीज। एंड सम आर प्रीटी इनफ एंड सम आर पुअर इंडीड, टेनिसन कहते हैं कुछ लोगों के फूल तो बहुत ही खूबसूरत उग गए थे और कुछ लोगों के बहुत ख़राब भी उगे थे। एंड नाउ अगेन द पीपल कॉल इट बट अ वीट, और अब फिर से जिन लोगों के फूल अच्छे नहीं उगे थे वो इसे वीट कहने लगे, यानी कि ये तो बस एक वीड है, जंगली पौधा, घास फूस, ये कोई फ्लावर नहीं है। तो इस पोम के अंदर टेनिसन ने उन लोगों पर अटैक किया है जो बिना किसी मतलब के, बिना वजह के टेनिसन के वर्क पर क्रिटिसाइज करते हैं। इस पोम के थ्रू टेनिसन ने उन लोगों पर अटैक किया है। टेनिसन कहते हैं कि मैं एक फूल उगाने की कोशिश करता हूँ, तुम उस पर क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, बाद में मेरे ही बीज चोरी कर तुम भी वो फूल उगाने की कोशिश करते हो मेरे ही आइडियाज लेकर। टेनिसन कहता है जब भी इंसान दुनिया में कुछ नया करने जाता है, नया करने की कोशिश करता है, लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, उसके काम को, उसके वर्क पर क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। टेनिसन कहता है कि कोई क्रिटिसाइज करे या ना करे, तुम अपना काम करते जाओ, एक दिन जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो वही लोग तुम्हारा क्रेडिट भी लेने आ जाएंगे। टेनिसन कहता है कि मत भूलो, मैंने कई लोगों को सिखाया है कि पोएट्री कैसे लिखी जाती है। दोस्तों ये पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम सुनकर, देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।